देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। रुक करेंगे खबरों का। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बेटियों को शिक्षा का अनूठा उपहार दिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने निजी स्कूल में पढ़ने वाली एक परिवार की दो बेटियों में से एक की फीस माफ करने को कहा है। अगर निजी स्कूल ऐसा नहीं करते तो संबंधित विभाग को एक छात्रा की फीस की व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया। गांधी जयंती के मौके पर लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में तो उनका लगभग निःशुल्क पठन पाठन का काम हो रहा है, अब हम एक और कदम आगे बढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि बालिका शिक्षा पर हमने बड़ी योजना तैयार कर ली है। उन्होंने कहा कि निजी स्कूल में अगर एक ही घर से दो बहनें पढ़ती हैं तो अभिभावक स्कूल में एक की फीस माफ करने की अपील करें। उनकी अपील पर भी अगर निजी स्कूल ऐसा नहीं करते तो शिक्षा विभाग फीस भरने की व्यवस्था करेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बहुत लोग फीस भरने में असमर्थ हैं, इससे उनको मदद मिलेगी। केंद्र के साथ यूपी सरकार भी किसी को किसी भी प्रकार की सुविधा से वंचित नहीं रहने देगी। गांधी जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व दशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना 2020 से 2021 के तहत 151,215 मेधावी छात्रों को 177.35 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति का ऑनलाइन हस्तांतरण भी किया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सहित बड़ी संख्या में मंत्री अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने योजना के 10 लाभार्थी छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रमाण पत्र भी दिए हैं। एक और अनूठी पहल योगी सरकार की तरफ से, अगर एक ही परिवार की दो बेटियां निजी स्कूल में पढ़ती हैं तो एक की फीस माफ करनी होगी स्कूल को, और अगर निजी स्कूल ऐसा नहीं करते तो फिर शिक्षा विभाग जो है इसकी व्यवस्था करेगा। यानी ये कहा जा सकता है कि वाकई एक के बाद एक कदम योगी सरकार लगातार बढ़ाती हुई नजर आ रही है और 2022 को लेकर ये कदम काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। दिल्ली से पंजाब लौटने के बाद अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ सीधा सीधा मोर्चा खोल दिया है। अमरिंदर कांग्रेस आलाकमान को ये याद दिला रहे हैं कि 2017 के बाद उनके नेतृत्व में पंजाब में कांग्रेस ने हर चुनाव जीता है, चाहे वो 2017 का विधानसभा चुनाव हो या 2019 का लोकसभा चुनाव या इस साल फरवरी में हुए स्थानीय निकाय का चुनाव। जाहिर सी बात है कि अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर चुके अमरिंदर सिंह जहां एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाकर सिद्धू को घेरने की कोशिश करेंगे तो वहीं इसके साथ लोकप्रियता के मामले में अपने आप को गांधी परिवार के मुकाबले ज्यादा लोकप्रिय साबित करने की कोशिश भी कर सकते हैं। अमरिंदर के तेवरों से भाजपा पहले दिन से ही उत्साहित है, इसलिए शुरुआत से ही भाजपा अमरिंदर को राष्ट्रवादी मुख्यमंत्री बताते हुए उन्हें हटाने के लिए कांग्रेस आलाकमान पर निशाना भी साध रही है। अमरिंदर सिंह जिस तरह के गंभीर आरोप नवजोत सिंह सिद्धू पर लगा रहे हैं उससे भी भाजपा को गांधी परिवार पर हमला करने का मौका मिल गया है और भाजपा लगातार ऐसा कर भी रही है। तो पंजाब में अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। पंजाब में जो राजनीतिक उठापटक है वो अभी जारी है, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह का जाना हो या फिर चन्नी का आना हो या फिर सिद्धू का अध्यक्ष बनना हो, इन तीनों चेहरों को लेकर लगातार पंजाब की सियासी हलचल जो है उसमें एक के बाद एक नए पहलू देखने के लिए मिल रहे हैं। और अब कैप्टन अमरिंदर ये ऐलान कर चुके हैं कि वो अपनी पार्टी अलग करेंगे। उनका यह कहना है कि उनका नेतृत्व उन्होंने जो किया है वो काफ़ी ज़्यादा पंजाब में चर्चित है और पंजाब में उनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है गांधी परिवार से ज़्यादा, तो ऐसे में कड़ी टक्कर वो गांधी परिवार को तो देंगे ही। सिद्धू से वो बदला भी लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर के बीच सब कुछ कभी भी ठीक नहीं रहा है और अब तो जग जाहिर हो चुका है। इसके अलावा बीजेपी भी इस पूरे मुद्दे को हवा देती हुई नजर आ रही है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बाराबंकी के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हाजी वारिस अली शाह की सरजमी देवास शरीफ पहुंचकर चादर चढ़ाई और मत्था टेका। इसके बाद उन्होंने गांधी भवन में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि आज हमारा आचरण हमारी विरासत के मुताबिक नहीं चल रहा है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से पड़ोसी अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार पर भी चर्चा की है। साथ ही उन्होंने कोरोना महामारी के प्रति भी लोगों को सचेत किया। आपको बता दें कि बाराबंकी में महात्मा गांधी की जयंती पर निरंतर आयोजित होने वाले विधिवत कार्यक्रमों की शुरुआत 1 अक्टूबर से हो जाती है और ऐसे में गांधी जयंती समारोह ट्रस्ट एक बार फिर गांधी जयंती सप्ताह 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मना रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य महात्मा गांधी के विचारों को जीवंत बनाए रखने हैं और
उनके बताए सत्य, अहिंसा, सौहार्द और समरसता के सिद्धांतों को आत्मसात करना है। इस कार्यक्रम के बाद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बाराबंकी के कई स्थानों पर भ्रमण भी किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं बाराबंकी से, जहां केरल के राज्यपाल पहुंचे हैं और उन्होंने गांधी जयंती के मौके पर तमाम बातें, तमाम विचार याद रखे और सबके सामने रखे। और हाजी वारिस अली शाह के दरगाह पर उन्होंने चादर भी चढ़ाई है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि लगातार हर साल की तरह इस साल भी गांधी जयंती के मौके पर गांधी सप्ताह मनाया जा रहा है। एक सप्ताह ये सारे कार्यक्रम मनाए जाते हैं, जिसमें जो गांधीवादी विचारधारा रही है उसको आगे बढ़ाना, सत्यापन को आगे बढ़ाना, अहिंसा को आगे बढ़ाना, ये तमाम बातें मुख्य रूप से दिखाई देती हैं। मैं कभी अपने आप को उस तरह नहीं पेश करता, ना मैं देखता हूँ मैं भारतीय हूँ, वो मेरी पहचान। सर, जो आज राजनीति हो रही जिस तरह से, खासकर यूपी में हिंदू और मुस्लिम को लेकर, उसके बारे में सर कुछ? कोई नहीं, शिकायत करने का कोई फायदा नहीं, मैंने आपको भी बता दिया, मैं जो करूँगा वो मेरे सामने आए। सर, जो गांधी जी के ख्यालात हैं उनको आज के दौर में आप कहाँ पे देखते हैं? क्या नहीं लगता कि उनके सामने चैलेंजेस बढ़ गए? मैं समझता हूँ कि गांधी जी की प्रासंगिकता का इससे बड़ा सबूत और कोई नहीं हो सकता कि अमेरिका की राजनीति बदल गई। मार्टिन लूथर किंग का पूरा आंदोलन गांधी जी से प्रेरित था और उस आंदोलन के नतीजे में पहली बार वहाँ एक काले रंग का आदमी प्रेसिडेंट बन गया और समाज में जुड़ाव कभी चुका। अगर दूसरा तरीका अपनाते तो समाज टूटता। देखिए, जनता क्या सीखती है ये तो जनता जाने। हमारा काम ये है कि हम 1978 से गांधी जयंती का काम कर रहे हैं, गांधी दर्शन पर काम कर रहे हैं और ये काम हमारा निरंतर जब तक हम जीवित हैं जारी रहेगा और ये एक सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। पहले दिन इसका उद्घाटन हुआ, दूसरे दिन सुबह गांधी जीवन दर्शन पर परिचर्चा हुई, शाम को ये परिचर्चा आरिफ मोहम्मद खां को आना था उन्होंने किया और उसके बाद अब यहाँ एक कवि सम्मेलन और मुशायरा है और कवि सम्मेलन और मुशायरे के बाद कल खेलकूद की प्रतियोगिता है और फिर उसके बाद जो गांधी शांति प्रतिष्ठान के डायरेक्टर हैं दिल्ली के, वो 7 तारीख को यहाँ पर समापन करेंगे। हमारा एक ये प्रयास, नया प्रयास है कि गांधी को नई पीढ़ी तक पहुँचाने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि खेल कूद का एक क्लब हमने बनाया है जिसमें बहुत छोटे छोटे गरीब लोगों के बच्चों को हम ड्रेस देंगे, कपड़ा देंगे। आज भी हमने करीब करीब 30,000 रुपए की हॉकी और वो मोजे और उनके लिए सामान बच्चों के लिए मंगाए हैं, जिससे वो गरीब बच्चे बड़े लोगों के बच्चों के साथ जब खेलें तो उनको हीन भावना का अनुभव न हो, ये प्रयास हमारा है। हम गांधी के विचारों को आम आदमी तक इसलिए पहुंचाना चाहते हैं कि गांधी एक सद्भावना के प्रतीक थे, गांधी एक राष्ट्रीय एकता के प्रतीक थे। असम में कांग्रेस विधायक शेरमान अली अहमद को 23 सितंबर के हिंसा का जिक्र करते हुए सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ बयानों के लिए उनकी पार्टी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बाद शनिवार शाम को हिरासत में ले लिया गया। राज्य के दारंग जिले में बेदखली अभियान के दौरान भीड़ की पुलिस के साथ झड़प में 20 अन्य घायल हो गए। इसके साथ ही 3 बार के विधायक रहे शेरमान ने करीब 40 साल पहले असम आंदोलन के दौरान दारंग जिले में 8 लोगों की हत्या को सही ठहराया था। शेरमान अली अहमद पश्चिमी असम के बारपेट जिले की बागम्बर सीट से राज्य विधानसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने पिछले हफ्ते सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ बयान दिया जिससे राज्य भर में व्यापक राजनीति विवाद शुरू हो गया था। विभिन्न संगठनों ने विभिन्न पुलिस स्टेशनों में शिकायतें दर्ज कराई थी जिसके चलते पुलिस ने उन्हें उनके गुवाहाटी स्थित आधिकारिक आवास से हिरासत में ले लिया है। यानी कि असम में लगातार हिंसक बयान जो हैं वो नेताओं के सुनाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से कई बार कई नेताओं को हवालात की हवा भी खानी पड़ रही है। शेरमान अली अहमद की बात की जाए तो उन्हें हिरासत में लिया गया है, आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि शनिवार शाम को इन्हें हिरासत में लिया गया है।
दरअसल सांप्रदायिक रूप से उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था, जिसको लेकर पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया, लेकिन कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया, जिसके बाद शनिवार को उन्हें हिरासत में लिया गया है। दरअसल राज्य के दारंग जिले में बेदखली अभियान के दौरान भीड़ की पुलिस के साथ झड़प में 20 लोग घायल हो गए थे। इसके साथ ही 3 बार के विधायक रहे शेरमान ने करीब 40 साल पहले असम आंदोलन के दौरान दारंग जिले में 8 लोगों की जो हत्या हुई थी उसको सही ठहराया था। शेरमान अली अहमद पश्चिमी असम के बारपेटा जिले की बागबार सीट से राज्य विधानसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने पिछले हफ्ते सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ भाषण दिया, जिससे राज्य भर में कहें तो व्यापक राजनीतिक विवाद शुरू हो गया था। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था। विभिन्न जो संगठन थे उन्होंने पुलिस स्टेशनों में शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिसके चलते पुलिस ने उन्हें गुवाहाटी स्थित आधिकारिक आवास से हिरासत में ले लिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं को अपने समय का एक निश्चित हिस्सा कमजोर वर्ग के लोगों को निशुल्क सेवाएं प्रदान करने के लिए निर्धारित करना चाहिए। शनिवार को विज्ञान भवन में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण NLSA के 6 सप्ताह के पेन इंडिया लीगल अवेयरनेस एंड आउटरीच कैंपेन के शुभारंभ पर बोलते हुए कोविंद ने गांधी जयंती पर जागरूकता अभियान शुरू करने के लिए NLSA की सराहना की। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी मानवता की सेवा के प्रतीक थे, जिसमें दलितों को न्याय दिलवाने की सेवाएं भी शामिल थी। कोविंद ने कहा कि 25 साल से अधिक समय पहले गांधी जी ने कुछ उदाहरण रखे थे जो आज भी पूरी कानूनी बिरादरी के लिए प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि सबसे अच्छी कानूनी प्रतिभा सबसे गरीब लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध होनी चाहिए। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि गांधी जी की सलाह का पालन कानूनी बिरादरी को करना चाहिए, विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों में नामित वरिष्ठ अधिवक्ताओं को इसका पालन जरूर करना चाहिए। तो राष्ट्रपति ने वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर एक विशेष संदेश दिया है गांधी जयंती के मौके पर। और एक बार फिर न्यूज वर्ल्ड इंडिया के प्राइम टाइम शो भारत एट 9 की रिपोर्ट का बड़ा असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि भारत एट 9 के कार्यक्रम में टेरी डैम पर बनी मस्जिद को लेकर प्रशासन को झकझोरने का प्रयास किया गया था, और हमारे शो भारत एट 9 में चलाई गई रिपोर्ट के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है और प्रशासन ने टेहरी डैम के पास बने मस्जिद को हटा दिया। आपको ये जानकारी दे दें कि बीते कई दिनों से टेहरी गढ़वाल जिला इस अवैध मस्जिद को लेकर चर्चा में था। स्थानीय लोग लगातार इस मस्जिद को हटाने की मांग कर रहे थे। वहीं बुधवार 29 सितंबर को इस मामले को लेकर न्यूज वर्ल्ड इंडिया के प्राइम टाइम में इस मुद्दे को उठाया गया, जिसके बाद अब पौड़ी गढ़वाल के खंड खाला कोटी कॉलोनी में बनी सफेद मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया है। भारत एट 9 में खबर चलने के बाद हैशटैग रिमूव टिहरी मॉस्क्यू ट्रेंड करने लगा था, जिसके बाद ये कार्रवाई शुरू की और इसी के साथ ही स्थानीय लोगों ने न्यूज वर्ल्ड इंडिया को ढेरों बधाइयां भी दी हैं और शुक्रिया भी अदा किया है। उत्तराखंड का पहला और देश का दूसरा सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा रुद्रपुर के गांधी पार्क में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फहराया। इसके साथ ही 1000 तिरंगे गुब्बारे और कबूतर आकाश में उड़ाया और शांति का संदेश दिया। धामी ने कहा कि उत्तराखंड के लिए बहुत गर्व की बात है जो यहां प्रदेश का पहला सबसे ऊंचा ध्वज फहराया गया। 181 फीट ऊंचे तिरंगे के लिए विधायक नीति से 28 लाख रुपए खर्च किए गए। ग्रामीण निर्माण विभाग की ओर से स्टार सेल कंपनी के सहयोग से 47 दिनों में निर्माण कराया गया है। वहीं से ऐतिहासिक क्षण के हजारों लोग साक्षी बने। इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी का नूजल भूमि में मालिकाना हक का कैबिनेट में प्रस्ताव पास करने को लेकर नागरिक अभिनंदन भी किया गया था। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं उधम सिंह नगर के, मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया और यहाँ पर यह ऐतिहासिक क्षण रहा उत्तराखंड वासियों के लिए। रुद्रपुर के गांधी पार्क में सबसे ऊंचा तिरंगा लहराया गया है। काफी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं। 181 फीट ऊंचा ये झंडा बताया जा रहा है, जो कि प्रदेश का सबसे ऊंचा झंडा है। रुड़की में सड़क निर्माण में जमकर धांधलेबाजी हो रही है। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर ग्रामीणों ने कई सवाल उठाए हैं। मामला रुड़की के फौरी नगर बड़ेरी गांव के मुख्य सड़क निर्माण का है। ग्रामीणों ने सवाल उठाए हैं कि निर्माण कार्यों में मानकों का सही पालन नहीं किया जा रहा।
सड़क को बनाने वाले संबंधित विभाग के ठेकेदार और विभागीय चार गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ग्रामीणों ने इस सड़क के काम को रुकवाना चाहा, लेकिन ठेकेदार की दबंगई के चलते ग्रामीणों ने इस सड़क के कार्य को रुकवाना असंभव लग रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार को विभागीय अधिकारियों का संरक्षण मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कोई भी विभागीय अधिकारी इस सड़क की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देते और सड़क के ग्राफ सामग्री में होने वाली दलाली खत्म नहीं हो रही और सड़क को अच्छी गुणवत्ता के साथ नहीं बनवाते हैं, तो हम सभी ग्रामीणों के द्वारा उनका विरोध लगातार होता रहेगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर लगातार ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ठेकेदार की दबंगई के चलते इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सड़क यहां पर बनाई गई है, लेकिन बनने से पहले ही ये उखड़ती हुई नजर आ रही है। रुड़की कोतवाली पुलिस और गंगनहर पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई कर नकली नोट बनाकर चलाने वाले गिरोह के 3 सदस्य सहित विभिन्न थाना क्षेत्रों में 5 मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया। वहीं सीओ विवेक कुमार ने सिविल लाइन कोतवाली में दोनों मामलों का खुलासा करते हुए बताया कि रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास में रह रहे 3 आरोपियों को नकली नोट बनाकर उनके चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 500, 2000 और 200 के अलग अलग 2,47,500 रुपए बरामद किए गए थे। साथ ही नोट बनाने के इस्तेमाल में लाए जाने वाले प्रिंटर भी बरामद किए गए। वहीं हरिद्वार जनपद के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 5 मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 5 चोरों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो अलग अलग क्षेत्रों में मोटरसाइकिल चुराया करते थे। तो रुड़की में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जो एक तरफ नकली नोट बनाकर चलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है, वहीं दूसरी तरफ वाहन चोरों को भी गिरफ्तार किया गया। उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मंडल की तरफ से स्वच्छता पखवाड़ा अभियान का आगाज किया गया है, जिसके अंतर्गत रेलवे कर्मचारी रेल यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों को स्वच्छता के लिए लगातार जागरूक कर रहे हैं। इसी कड़ी में रेलवे कर्मचारियों की तरफ से गांधी जयंती के दिन महात्मा गांधी के स्वच्छता के प्रति लगाव को देखते हुए नुक्कड़ नाटक कर लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया गया। इस मौके पर ADRM मुकुंद चंद्रा ने बताया कि बापू के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए रेलवे कर्मचारियों की तरफ से रेलवे प्लेटफॉर्म, रेल के कोच और अपने आवासीय परिसरों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सभी रेलवे अधिकारी एकजुट होकर इस अभियान का हिस्सा भी बन रहे हैं। पूरे वर्ष सफाई का कार्य निरंतर चलता रहता है, लेकिन इसी कार्य को गति देने के लिए और एक स्पेशल फोकस करने के लिए हम ये पखवाड़ा मनाते हैं। और आज गांधी जयंती के अवसर पर खास ये है कि हम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमारे सारे यात्री जो आप देख रहे हैं, इनको हम जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से फोकस अच्छा रहता है और सरल भाषा में जो वो बताते हैं, वो लोगों के मन में, जहन तक स्वच्छता की अलग जगाने का काम और प्रभावी रूप से हो पाता है। सर, कब शुरू हुआ था ये अभियान और आज ये 16 सितंबर को शुरू हुआ था और आज देखिए समापन तो नहीं कहेंगे, लेकिन बस एक और प्रभावशाली ढंग से आज गांधी जयंती के दिन हम इसको एक अलग रूप देना चाहते हैं, इसलिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन है। और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में ये सब कार्यक्रम हैं और इसको हम मना रहे हैं और लोगों में स्वच्छता की अलग जगाने का कार्य कर रहे हैं। बलरामपुर में बिजली विभाग के बिल बकाए को लेकर मामला सामने आया है, जहां सरकारी विभाग का 30 करोड़ से ज्यादा बिजली का बिल बकाया है। इसको लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं। आपको बता दें कि देनदारी में सरकारी विभाग का 21 करोड़ से ज्यादा बिजली का बिल लंबित है, वहीं कमर्शियल और घरेलू उपभोक्ताओं का बकाया बिल 10 करोड़ से ज्यादा है। आपको बता दें कि अभियान के नाम पर बिजली विभाग के अधिकारी गरीब मजदूर किसानों के छोटे बकाया दर का कनेक्शन काटकर उन पर जुर्माना लगाकर उन्हें खरी खोटी सुनाते हैं और अपनी पेट भी थपथपाते हैं। वहीं अधिकारी सरकारी विभागों के बकाया बिल पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। आप बता दें कि जिले में सबसे ज्यादा बकाया बिल DM ऑफिस का बताया जा रहा है। कुल 5 बड़े बकायेदार हैं हमारे पास। एलोपैथिक चिकित्सा पे 1,23,00,000 रुपया, प्राथमिक शिक्षा पे 2,19,00,000 रुपया, माध्यमिक शिक्षा पे 1,33,00,000 रुपया और जल संस्थान पे 1,49,00,000 रुपया। कुल 10,13,00,000 रुपया बकाया। अरे, हम लोगों की जो है अगर 3,000 रुपये से ऊपर होती बिजली बकाया
तो हमारे अधिकारी लोग जा कर के बिजली विभाग के जो है वहाँ कनेक्शन काट देते हैं और तरह तरह की खरी खोटी सुनाते हैं और जुर्माना भी ठोंक देते हैं। ऐसे में हम लोग गरीब किसान जो है जीने को दूभर हैं कि यहाँ कैसे बच्चों की पढ़ाई होगी, कैसे उनके फीस फास की जो है अदायगी की जाएगी। तो पहले से बिजली विभाग का रेट कुछ बढ़ा हुआ है? अरे दिन प्रतिदिन जो है इनका जो है रेट बढ़ता जा रहा है और इससे जो है हमारे जनमानस में जो है और हम लोग जो है इसे आहत हैं। कानपुर के बड़ा सब्जी मंडी में देर रात समाजवादी पार्टी के नेता हर्ष यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जानकारी के मुताबिक कार से आए कुछ लोगों ने हर्ष यादव को गोली मार दी थी। वहीं गोली लगने से हर्ष की मौके पर ही जान चली गई। हमलावर हवाई फायरिंग करते हुए भाग निकले। हर्ष को लहूलुहान हालत में पटेल चौक के पास स्थित नर्सिंग होम में भी ले जाया गया जहाँ डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। DCP साउथ रवीना त्यागी ने बताया है कि हत्या के पीछे की वजह साफ नहीं हो पाई है। परिजनों से पूछताछ के साथ ही घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरा भी खंगाले जा रहे हैं। शहर भर में नाकाबंदी कराकर कार सवार का पता भी लगाया जा रहा है। आगरा के डोकी गांव में पूर्व फौजी ने खूनी तांडव मचाना शुरू कर दिया। फौजी ने अपने गांव में फायरिंग की जिसमें महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। घायल के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें कि सरफरा फौजी पड़ोसी महिला पर बुरी नजर रखता था जिसको लेकर फौजी पर छेड़छाड़ का मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि घटना के बाद से गाँव के अस्पताल में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अमेठी में लगातार अपराधी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, वहीं पुलिस इन पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। ताजा मामला अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में हुआ जहां पर देर रात दुकान के बाहर सो रहे 55 साल के व्यापारी की अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी। व्यापारी की हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। वो 10 बजे खाना खा के घर से दुकान पे आए, उसके बाद वो हमको सुबह पता चला कि उनकी मृत हो गई है। पैसा 30,000 रुपये ले गया, सामान भी ले गए हैं। कितने की लूट हुई? लगभग 30-35,000 का लूट ले गए हैं। तो कैसे किस कंडीशन मिले थे वो? उनकी हत्या हुई थी, उनके ब्लड नाक के खून आया था और गला भी दबाया गया था और पैर से बांधा गया था पैर। देखिए ग्राम नैनहा के रहने वाले राम कुमार यादव गाँव के बाहर अपनी परचून की दुकान के बाहर सोए हुए थे। प्रत्येक दिन यहीं सोते थे। आज सुबह उनकी डेड बॉडी यहाँ पे पाई गई है। शरीर पे कुछ चोट के निशान भी हैं। घटना के संबंध में तहरीर प्राप्त हो गई है और डेड बॉडी को मर्चरी भेजा गया पंचायतनामा PM कार्रवाई करने के लिए। पूरा मामला जहाँ पर 55 साल के एक व्यापारी की अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है लेकिन हत्यारोपी अब तक गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।